आज की हमारी टेस्टी रेसिपी है पोहा पीनट स्टार्टर। आप इसे बर्थडे में, किटी पार्टी में एज अ स्टार्टर के रूप में रख सकते हैं। सो हेलो फ्रेंड, मैं अनामिका आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल कुकिंग विद कॉन्फिडेंस में। तो आज की हमारी टेस्टी और क्विक बनने वाली रेसिपी है पीनट पोहा स्टार्टर। इसे बनाना बहुत आसान है, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और इसमें ढेर सारा प्रोटीन है। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। उससे पहले आप जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, एक छोटा कप भर के पोहा लिया है। तो आप देख सकते हैं ये जो हम नॉर्मल पोहा का यूज करते हैं ना, वो वाला पोहा नहीं लिया है, जो हम नमकीन में यूज करते हैं वो वाला मैंने पोहा लिया है। तो एक कप पोहे को मैंने थोड़े से पानी के साथ बढ़िया से धो लिया है और इसे छान लिया है और इसे हम रख देते हैं साइड में। अब हम देख लेते हैं वेजिटेबल्स कौन कौन से यूज़ होंगे। तो मैंने एक शिमला मिर्च ली है, एक गाजर ली है, 4 से 5 लहसुन की कलियां ली हैं, 2 हरी मिर्च ली है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है और धनिया ली है कटी हुई, और उसके बाद 2 बॉयल आलू लिए हैं, 2 प्याज ली हैं। तो अब मैं एक कढ़ाई ले ली है मैंने, जिसमें मैंने 1 छोटा चम्मच ऑयल डाला है और 1/2 चम्मच जीरा डाल दिया है। उसके बाद जब जीरा हमारा अच्छी तरह से चटक गया है तो मैंने उसमें अदरक और लहसुन डाल दिया है। अदरक और लहसुन हमारा बढ़िया से हो गया है, उसके बाद मैं इसमें हरी मिर्च डाल देती हूँ। तो दोनों मिर्च को मैंने मोटा मोटा कट करके डाल दिया है इसमें, और मिर्च भी हमारी बढ़िया से हो गई है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ मूंगफली। तो मैंने ये लगभग 1 छोटा कप भर के रॉ पीनट्स लिए हैं और इसे भी बढ़िया से मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। तो आप देख सकते हैं इस तरह से, जब तक हमारी जो मूंगफली है ना इसमें क्रैक्स नहीं आ जाएंगे तब तक हम इसे भून लेंगे। और हमारी मूंगफली अच्छी तरह से भून गई है और अब मैंने इसमें बारीक कटा हुआ धनिया डाल दिया है। इसे भी लगभग 1 मिनट के लिए मूंगफली के साथ में कुक कर लेंगे। और आप देख सकते हैं हमारी जो मूंगफली है वो बढ़िया से फ्राई हो गई हैं, और इसे रख देती हूँ मैं ठंडा होने के लिए जब तक आगे की प्रोसेस कर लेते हैं। तो मैंने एक बोल ले लिया है जिसमें मैंने पोहा धोकर रखा था, वो पोहा भी इसमें डाल दिया है और ये चिपक जाता है, तो इसे हाथों से इस तरह से मैं निकाल देती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से साइड में कर दिया है, एकदम अलग अलग हो गया है हमारा पोहा। और उसके बाद जो 2 बॉयल आलू लिए थे मैंने, उसे हाथों से इस तरह से क्रश करके मैं डाल रही हूँ। आप चाहे तो कद्दूकस भी कर सकते हैं। तो दोनों आलू को मैंने हाथों से मैश करके इसमें डाल दिया है और अब मैं डाल रही हूँ इसमें वेजिटेबल। तो ये शिमला मिर्च डाल दी है मैंने और गाजर डाल दी है, कद्दूकस कर लिए है। आप चाहे तो शिमला मिर्च को भी कद्दूकस कर लें, लेकिन जो शिमला मिर्च है इसे मैंने बारीक चॉप कर लिया था। और उसके बाद मैंने इसमें प्याज डाल दिए है बारीक कटी हुई, और उसके बाद अब मैं इसमें चावल का आटा डाल रही हूँ। तो मैं लगभग 2 बड़े चम्मच चावल का आटा मैंने इसमें डाल दिया है, और उसके बाद मैं इसमें कुछ सूखे मसाले डालूंगी। तो 1/2 छोटा चम्मच मैं इसमें चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ, और उसके बाद 1/2 चम्मच मैं इसमें जीरा डालूंगी, 1 चम्मच नमक डालूंगी। नमक आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके बाद 1 चम्मच मैंने इसमें गर्म मसाला पाउडर डाला है, 1 चम्मच मैंने इसमें चाट मसाला डाला है। और अब हमें इसमें किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं करना है, और अब मैं इसे बढ़िया से अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। जैसे हम डो बनाते हैं ना, बिल्कुल सेम उसी तरह से हमें डो बनाकर रेडी करना है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो आलू और पोहा का डो है वो बनकर रेडी हो गया है, उसे मैंने साइड में रख दिया है। और हमारी जो मूंगफली है ना वो ठंडी हो गई है, और इसे एक ग्राइंडिंग जार में डाल के मैं मोटा दरदरा सा पीस लूंगी। तो पानी का यूज़ मैंने बिल्कुल भी नहीं किया है, आप चाहे तो थोड़ा बहुत पानी डाल सकते हैं, पर मैंने बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं किया है। इसी तरह से इसे बढ़िया दरदरा सा पीस लिया है। तो ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये थोड़ा दरदरा सा है, बारीक नहीं किया है मैंने इसे। और अब हमने जो आलू और पोहा का डो बनाकर रखा था ना, इसे मैं हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लूँगी और छोटा सा एक पोर्शन ले लूँगी इस तरह से। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसे थोड़ा सा गोल कर लिया है और हाथों से इस तरह से हथेली पर इसे प्रेस कर लिया है, और जो हमारी मूंगफली का मिक्सचर है वो इसमें मैं भर देती हूँ। मूंगफली की फिलिंग को मैंने इसमें रख दिया है और इस तरह से हाथों से प्रेस करके मैं इसे बढ़िया से बंद कर दूंगी। तो आप देख सकते हैं इस तरह से, और इसकी जो फीलिंग है ना वो अच्छी तरह से आप पैक करें, नहीं तो ये जब हम फ्राई करेंगे ना तो सारी फीलिंग निकल जाएगी। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने हाथों की हेल्प से इसे बढ़िया से अच्छे से प्रेस कर दिया है, और मैं इसे रोल आकार देने वाली हूँ। आप जिस भी शेप में से रखना चाहते हैं आप उस शेप में से दे सकते हैं।
ऑयल मैंने पहले से ही गर्म करके रखा है, तो मैं एकदम मीडियम टू लो फ्लेम में ऑयल को गर्म किया है मैंने। एक एक करके सारा स्टार्टर मैं इसमें डाल देती हूँ। तो एक बार में आप 3 से 4 या लगभग 5 को ही फ्राई करें। अगर एक साथ आप डालेंगे तो इसे पलटने में बहुत आसानी नहीं होगी और ये अच्छी तरह से सिक नहीं पाएंगे। तो आपको जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको आराम से इन्हें फ्राई करना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने एकदम सॉफ्ट हैंड से इसे पलट दिया था और हमारे जो स्टार्टर हैं आप देख सकते हैं कितने बढ़िया से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, कहीं से भी ये फटे नहीं हैं। तो इसी तरह से मैं हमारे सारे स्टार्टर को बढ़िया से फ्राई कर लेती हूँ। तो इन सबको मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। आप चाहे तो एक पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं जिससे इसका एक्स्ट्रा जो ऑयल होगा वो सारा नैपकिन पेपर पर ही निकल जाएगा। तो हमारे सारा स्टार्टर बढ़िया से फ्राई हो गया है और अब मैं कर लेती हूँ उसकी बढ़िया सी प्लेटिंग। तो ये देखिए आप लग रहे हैं ना कितने टेस्टी और यमी। आप इसे किसी भी फैमिली वाले को खिलाएंगे वो आपकी तारीफ किए बगैर बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। मेरे यहाँ तो ये कभी भी बनते हैं, मेरे घर में हर किसी को ये पसंद आते हैं। तो फ्रेंड आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आप इसे हरी चटनी के साथ, इमली की चटनी के साथ या फिर सेजवन सॉस के साथ में इंजॉय कर सकते हैं। मैं आपको एक इसे तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए इसकी फीलिंग जो है कितनी बढ़िया से अंदर में भरी हुई है और ये अंदर तक कितने अच्छे से सिक गए हैं। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहें। सो टेक केयर, बाय बाय।